हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंड बेप क्लासेस में। आज इस वीडियो में एवरेज का पार्ट सेकंड कवर करेंगे और इसका पार्ट फर्स्ट अपलोड हो चुका है, तो आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में विजिट कर वहां से फाइंड कर सकते हैं। तो इसमें पार्ट फर्स्ट में हमने कवर किया था चालों का औसत, पार्ट फर्स्ट में चालों का औसत कवर हो गया था। और औसत में पाँच टाइप के सवाल बनते हैं, या तो चालों का औसत, या फिर संख्याओं का औसत, या आयु का औसत, या फिर आना जाना से रिलेटेड, जैसे कुछ समूह में कुछ व्यक्ति आ जाते हैं, समूह से कुछ व्यक्ति निकल चले जाते हैं, या एक व्यक्ति आ जाता है, एक व्यक्ति समूह से चला जाता है, तो ये आना जाना में कवर होगा। और बल्लेबाजी और गेंदबाजी, इससे रिलेटेड भी सवाल देखने को मिलते हैं औसत में। तो ये पांच टाइप के हैं। तो अब आज इस पार्ट में कवर करेंगे संख्या का औसत, इसका कुछ हिस्सा इसी पार्ट में हो जाएगा, फिर नेक्स्ट पार्ट थ्री में कवर कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा, संख्या का औसत पढ़ना है तो संख्याएं होती कितने प्रकार की है पहले ये जानना जरूरी होता है। तो इसमें दो प्रकार की संख्याएं होती है, समान अंतर वाली संख्याएं और असमान अंतर वाली संख्याएं। समान अंतर वाली संख्याओं के अंतर्गत देखिएगा, ये चार प्रकार की संख्याएं हैं। जैसे प्राकृत संख्याएं तो एक दो तीन, एक से स्टार्ट होगी और ये अनंत तक जाती है, सबसे बड़ी प्राकृत संख्या संभव नहीं है। तो ये अंतर एक एक का है, इनमें समान अंतर वाली संख्याएं होती है। सम संख्याएं, इसमें दो चार छः आठ, फिर ये भी अनंत तक जाती है, तो इसमें भी दो दो का डिफरेंस देखने को मिलता है। तो ये विषम संख्याएं एक तीन पाँच सात, इसमें भी अंतर समान है, ये भी अनंत तक जाती है, एक से स्टार्ट होती है। और गुणज या अपवर्त संख्याएं, गुणज का मतलब होता है पहाड़ा, जैसे चार के गुणज लिखना है तो चार का चार, चार दूनी आठ, चार तीन बारह, चार चौक सोलह, इस तरह से इन्फिनिट अनंत तक जाएगा चार के गुणज यदि लिखना है। तो इनका, ये चार प्रकार की संख्याओं का औसत निकालने के लिए फार्मूला होता है पहली संख्या धन अंतिम संख्या बटे दो, या फिर एवरेज इक्वल टू डायरेक्ट होता है फर्स्ट प्लस लास्ट अपान टू। इसके कुछ सवाल कवर करते हैं, देखिएगा, समान अंतर वाली संख्याओं के, इसके बाद असमान अंतर वाली संख्याओं को कवर कर लेंगे। देखिएगा, कुछ एग्जांपल आपके सामने लिखे हैं, ये चार एग्जांपल। देखिए, एक से लेकर पचास तक की प्राकृत संख्याओं का औसत होगा, तो इसमें लगातार संख्याएं हो गई एक से लेकर पचास तक, तो इसमें एवरेज निकालना, तो एवरेज इक्वल टू पहली संख्या और अंतिम संख्या दोनों को जोड़ के दो से भाग कर देंगे तो इक्यावन बटे दो, दो से कैंसिल आउट करेंगे, दो दूनी चार, दो पंचे दस, और ये दो पंचे दस, पच्चीस दशमलव पाँच, ये एवरेज हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, दो से लेकर नब्बे तक की समस्त सम संख्याओं का औसत, तो यहाँ पर डायरेक्ट इसको सॉल्व कर लेंगे, एवरेज निकालना है तो पहली संख्या और प्लस अंतिम संख्या दोनों को जोड़ देंगे, क्योंकि दो दो का डिफरेंस रहेगा बटे दो, तो यहाँ पर बानवे भागे दो होगा तो छियालीस आएगा, इसका एवरेज छियालीस। नेक्स्ट देखिएगा, ग्यारह से लेकर इकहत्तर तक की समस्त विषम संख्याओं का औसत, तो यहाँ पर एवरेज निकालना है, डिफरेंस दो दो का रहेगा इसमें भी, तो पहली संख्या और अंतिम संख्या दोनों को जोड़ के दो से भाग, तो यहाँ पर एक एक दो हो जाएगा और सात एक आठ, और दो से भाग करेंगे तो इकतालीस हो गया, इसका एवरेज इकतालीस। नेक्स्ट, पाँच के प्रथम सात गुणजों का औसत, तो पाँच के सात गुणज न लिख करके सातवां गुणज हो जाएगा, सात पना पैंतीस, और पहला गुणज पाँच ही होगा, तो डायरेक्ट इसका एवरेज डायरेक्ट फाइंड करेंगे, पहली संख्या और अंतिम हो जाएगी पाँच गुणे सात, पाँच सते पैंतीस, और बटे दो, पाँच पाँच का डिफरेंस रहेगा इसमें, पाँच के गुणज ले रहे हैं, पाँच का पहाड़ा है, तो अंतर समान है यहाँ भी, तो पैंतीस पाँच चालीस, भाग दो से करेंगे तो एवरेज आ जाएगा बीस। इसके कुछ सवाल और इसी में कवर करते हैं, किस किस टाइप से घुमा के पूछता है, कुछ फार्मूले हैं उसको पहले देख लेते हैं। इसमें फार्मूले में डायरेक्ट वैल्यू पुट करके और आंसर निकाल लेंगे, तो फिर इसमें पहली और अंतिम संख्या को जोड़ के दो से भाग नहीं करना पड़ेगा। तो फार्मूले पहले देखिए, फिर इसके बाद कुछ एग्जाम्पल और कवर करते हैं। यहाँ पर कुछ फार्मूले हैं औसत के लिए, डायरेक्ट फार्मूला देखिएगा। प्रथम यन प्राकृत संख्याओं का औसत बराबर होगा यन प्लस वन अपान टू, ये फार्मूला होगा। फिर प्रथम यन सम संख्याओं का औसत का फार्मूला होता है, ये दो बटे से हटा देंगे तो बचेगा यन प्लस वन, मतलब प्रथम यन सम संख्याओं का औसत निकालना, तो यन रहेगा एक और जोड़ देंगे। फिर प्रथम यन विषम संख्याओं का औसत निकालना है तो बराबर यन ही होता है, यहाँ की वैल्यू सेम यहाँ रख देंगे। अब इसके तीन सवाल देखते हैं, पहले इन तीनों के लिए सवाल कवर करेंगे। जैसे प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का औसत पूछ रहा है, तो इसमें डायरेक्ट सॉल्व करेंगे 100 प्लस एक बटे दो, सूत्र में रखेंगे n प्लस वन अपान टू, ये फर्स्ट वाले से सवाल ही बना, तो n की वैल्यू 100 है तो 101 बटे दो होगा, तो पचास दशमलव पाँच आएगी वैल्यू। नेक्स्ट देखिएगा, प्रथम 40 सम संख्याओं का औसत,
तो प्रथम 40 सम संख्याओं का औसत पूछ रहा। तो अब यहाँ पर देखिए, यदि फार्मूले से लगाते हैं तो पहली संख्या इसमें 2 होगी और 40वीं सम संख्या इसमें पता नहीं है। इसके लिए मैं फार्मूला अलग से लिख दूंगा। तो देखिएगा, प्रथम 40 सम संख्याओं का औसत, तो यहाँ देखिए प्रथम n सम संख्याओं का औसत, डायरेक्ट इसका इस सवाल का सोल्यूशन यहाँ से निकालेंगे। n प्लस 1 है तो मतलब इसमें हो जाएगा 40 प्लस 1 41 होगा। प्रथम 40 सम संख्याओं का औसत 41। और नेक्स्ट देखिएगा, प्रथम 25 विषम संख्याओं का औसत, तो यहाँ पर देखिए प्रथम n विषम संख्याओं का औसत n होता है, तो प्रथम 25 विषम संख्याओं का औसत 25 ही होगा। तो ये इसका सोल्यूशन हो गया। अब यहाँ पर देखिए, जैसे 40वीं सम संख्या नहीं पता है या फिर 25वीं विषम संख्या, तो उसका फार्मूला होता है और nवीं प्राकृत संख्या। तो इसके लिए आप लोग साइड में लिख लेंगे, जैसे nवीं प्राकृत संख्या, nवीं प्राकृत संख्या क्या होगी, जैसे 100वीं प्राकृत संख्या 100, तो nवीं प्राकृत संख्या n होती है। ये तो डायरेक्ट यहाँ पर लिखेंगे। अब nवीं सम संख्या, मतलब 40वीं से ऐसे सम संख्या निकालना है, तो nवीं सम संख्या निकालने के लिए फार्मूला होगा, इसमें nवीं सम संख्या निकालने के लिए इसमें देखेंगे 2n, जैसे 40वीं सम संख्या निकालना है तो इसमें 40×2 करेंगे तो 80 हो जाएगा। पहली तो 2 ही रहेगी, इसी में देखिए 40वीं सम संख्या 80 हो जाएगी। अब पहली 2 है तो 2 और 80 जोड़ के, पहली तो 2 ही रहेगी, 40वीं हमें 80 मिली, तो भाग 2 से करेंगे तो 82/2, ये वैल्यू 41 आएगा। इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये जो डायरेक्ट यहाँ पर जो फार्मूले से अभी निकालते थे, तो हमें 40वीं सम संख्या निकालना है तो nवीं सम संख्या, तो 2n मतलब डबल कर देंगे। और प्रथम देखिए 25वीं विषम संख्या निकालना है, तो देखिएगा nवीं विषम संख्या, nवीं विषम संख्या बराबर 2n-1, एक कम कर देंगे। जैसे 25वीं विषम संख्या निकालना है तो 25×50, पहले 2 का गुणा करेंगे, एक और कम कर देंगे, 49 हो जाएगा। तो 49 और पहली विषम संख्या 1 और 25वीं विषम संख्या 49 हो जाएगी, मतलब 25×50-1 49, और भाग 2 से करेंगे तो वैल्यू फाइंड हो जाएगी 25, क्योंकि 49×1=50, 50 में 2 से भाग करेंगे 25। तो इस तरह से आपको डायरेक्ट भी पता करना हो, जैसे nवीं प्राकृत संख्या, nवीं सम संख्या निकालना हो या nवीं विषम संख्या, n का मान कुछ भी यहाँ दे सकता है। तो देखिएगा, इसमें कुछ और सवाल इसके कवर करेंगे। दूसरे प्रकार की संख्याएं असमान अंतर वाली संख्याएं हैं, तो इसमें 2 है। देखिएगा, अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं भी असमान अंतर है। जैसे देखिए, पहली अभाज्य संख्या 2, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, फिर 3, 5, 7, फिर इसके बाद 11, 13, इस तरह से अनंत तक जाती। तो देखिए यहाँ पर 1 का अंतर है, पहले 2, 3, फिर 2 का अंतर है, 3, 2, 5, फिर 2 का अंतर है, लेकिन यहाँ पर 4 का अंतर है। तो ये असमान अंतर वाली संख्याएं होती है, अभाज्य संख्याएं। और दूसरा आंकड़े, आंकड़े भी अंतर असमान रहता है, 4, 23, 15, 2, 29, इस तरह से आंकड़े कुछ भी दे सकते हैं, प्रश्न में कुछ भी दिया जा सकता है। तो औसत बराबर आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, इसके लिए दोनों के लिए फार्मूला होता है। और यहाँ पर आंकड़ों का योग यदि निकालना है, जैसे आंकड़े कोई भी होंगे, तो आंकड़ों का योग निकालने के लिए औसत गुणे आंकड़ों की संख्या, औसत गुणे आंकड़ों की संख्या। तो ये आंकड़ों का योग, इसको जरूर आप लोग ध्यान रखिएगा, ये आगे सवाल में कई जगह यूज होगा। जब आंकड़ों का योग निकालना होगा तो औसत दिया रहेगा और आंकड़ों की संख्या दिया रहेगा, तो गुणा कर देंगे तो योग डायरेक्ट मिल जाएगा। अब यहाँ पर देखिएगा, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत होगा, तो प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत, तो एवरेज इक्वल टू, अब प्रथम 5 अभाज्य संख्याएं, प्रथम 2, 3, 5, 7, 11, तो 1, 2, 3, 4, 5, ये और भाग किसे कर देंगे, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो यहाँ पर एवरेज मिल जाएगा, तो इनका योगफल आ जाएगा, जोड़ेंगे तो 11, 7, 18, 5, 23, 3, 26, 2, 28, 28/5, तो यहाँ पर 5×1=5, 5×5=25, 3×5=30, तो 5.6 होगा एवरेज। इसके और कुछ क्वेश्चन कवर करते हैं संख्याओं से रिलेटेड, जो सवाल एग्जाम में बनते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिएगा संख्याओं से रिलेटेड, 7 विषम संख्याओं का औसत 17 है, बड़ी संख्या होगी। तो यहाँ पर देखिएगा, 7 विषम संख्याएं, वो भी यहाँ पर क्रमागत, 7 क्रमागत विषम संख्याएं, यहाँ ध्यान दीजिएगा, शब्द क्रमागत रहेगा लगातार, 7 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत। तो यहाँ पर देखिएगा, औसत दिया है 17, तो बीच की वैल्यू तो यही हो जाएगी, पहले बीच के बीच का मान हो गया 17। अब 3 बाएं साइड की और 3 दाएं तरफ की, तो बाएं तरफ देखिएगा 15,
13 और 11, दाएं तरफ हो जाएगा 19, 21 और 23। तो सबसे बड़ी 23 होगी, इसका सलूशन हो जाएगा। इसी तरह छह सम संख्याएं, तो यहाँ क्रमागत सम संख्याएं, ये वर्ड यहाँ क्रमागत देता है, लगातार या फिर क्रमागत। सम संख्याओं का औसत 23 है दूसरी संख्या, तो ये बीच की संख्या हो गई 23। अब देखिएगा इसका सलूशन, तो अब तीन इधर की लेंगे और तीन इधर की, क्योंकि इसको रिजेक्ट करेंगे क्योंकि ये विषम संख्या है। तो तीन इधर की सम संख्या है और तीन उधर की, तो इधर साइड की देखिएगा 22, बाएं तरफ की 20 और 18, और इधर की लिख लेंगे 24, 26 और 28। तो ये क्रमागत सम संख्याएं हो गई लगातार 6, 18, 20, 22, 24, 26, 28। दूसरी पूछ रहा है तो दूसरी ये 20 होगी, इसका सोल्यूशन हो गया 20। पांच विषम संख्याओं ए बी सी डी ई का औसत 25 है, यहाँ भी क्रमागत विषम संख्या ही है। तो देखिए औसत दिया है तो ये बीच की वैल्यू हो जाएगी 25, एक मान तो ये हो गया। और इसके बाएं तरफ की दो संख्याएं और दाएं तरफ की दो संख्याएं लिख लेंगे विषम संख्याएं, तो विषम ही लिखना, तो 25 के पहले 23 और ये 21 हो गया, और इधर बाद वाली हो जाएंगी 27 और 29। अब ये औसत देखिएगा, पाँच संख्याएँ सीरियल से हैं तो ए बी सी डी और ई, ये इसको लिख देंगे। और इसके बाद सी गुणे ई पूछा है, तो सी गुणे ई मतलब 25 गुणे 29, तो 25 गुणे 29 करेंगे तो यहाँ पर गुणा करने पर आएगी वैल्यू 725, गुणा करके आप देख लीजिएगा। अब नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट एग्जांपल, सात क्रमागत प्राकृत संख्याओं का औसत 27 है, तीसरी संख्या बताएं। तो ये औसत दिया है तो मतलब बीज की वैल्यू तो यही हो जाएगी 27, बीज का मान। अब क्रमागत प्राकृत संख्याएं हैं तो अब तीन बाएं साइड की तीन दाएं तरफ की, तो यहाँ 26 और क्रमागत प्राकृत संख्या लेना है, तो 25 और 24, 24 25 26, तीन इधर की और बाद की 28, 27 के बाद 28, 29 30। अब इसमें तीसरी पूछा है तो तीसरी 26 हो जाएगी, इसका सलूशन 26 होगा। तो इसमें ये संख्याओं से रिलेटेड कुछ सवाल कवर हो गए हैं, और नेक्स्ट पार्ट में अभी संख्याओं से ही रिलेटेड अभी सवाल कुछ रह गए हैं तो तीसरे पार्ट में कवर कर लेंगे। और आप इस चैनल के प्लेलिस्ट से सभी वीडियो फाइंड कर सकते हैं, वहां पर प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो आप विजिट कर वहां से फाइंड कर लें। और जैसे MP पुलिस है, पटवारी है, SI है, SSC बैंक, रेलवे, RPF, CRPF, CISF, इससे रिलेटेड आपको एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो आप प्लेलिस्ट से सर्च कर सकते हैं। तो इसमें इतना ही कवर करेंगे।